हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन ब्रांड सोडा मशीन। ये हमारी कंपनी का टोटल्स मॉडल सोडा मशीन, सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन, जूस मशीन, फ्लेवर मिक्सचर मशीन, ये ऑल इन वन वीडियो हम बना रहे हैं। सब जो हमारे जो मशीनरी है उसका सबका वीडियो एक साथ बना रहे हैं। तो हम आपको ये पूरी हर एक चीज ऑपरेट करके बताएंगे कैसे इसका ऑपरेट होता है। और ये हमारी नई प्रोडक्ट है भी, ये जो फ्लेवर मिक्सचर मशीन है जिसका आपने सोडा मशीन का फ्लेवर्स बनाते हैं, जो लेमन है, लीची है, ऑरेंज है, उसका फ्लेवर्स बनाते हैं, उसका मिक्सचर मशीन है। ये देख सकते हैं पूरा मशीन, पूरा हैवी ड्यूटी मशीन है, पूरी हैवी मोटर लगी हुई है इसकी। आप पूरी मोटर मशीन देख सकते हैं इसकी। और यहाँ पे इसका स्विच दिया गया है, ऑन ऑफ का स्विच आप कर सकते हैं यहाँ से। इसके अंदर आप कोई भी सोडा मशीन का फ्लेवर से शुगर को मिक्सिंग करना है, फ्लेवर को मिक्सिंग करना है, कोई भी वर्क इसके अंदर आप हैवी वर्क कर सकते हो। और कंटिन्यू आप इसको 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा भी कंटिन्यूस चला सकते हो, उसको ऑपरेट कर सकते हो। और हमारी ये दूसरी मशीन है जो ये जूस मशीन है, जूसर मशीन है, जो अभी ऑपरेटिव ये रखी हुई है हमने। और हमारी ये सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन और सोडा मशीन अभी डिलीवरी के लिए जा रही है, तो हम इसको अभी टेस्टिंग ऑपरेट कर रहे हैं कि इसका ऑपरेट कैसे करना है, कैसे इसका आइसक्रीम बनाना है, मिल्क बनाना है, इसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे एंटर करना है, हर एक चीज हम इसको आपको बताएंगे। इसके लिए हम अभी इसके आपके सामने इसको फ्लेवर बना के भी बताएंगे, इसका फ्लेवर कैसे बनाना है। अभी इसमें हमने दोनों बाउल में 2-2 लीटर मिल्क बनाया हुआ है, मिल्क डाला हुआ है, प्लेन मिल्क है, जो प्लेन मिल्क रहता है, फुल फैट का, क्रीम का, जो अमूल कंपनी का मिल्क रहता है, वो हमने मिल्क डाला हुआ है इसके अंदर। और इसका फ्लेवर का पैकेट है, ये मैंगो का फ्लेवर है, आप देख सकते हो पूरा फ्लेवर, IFSSI फूड सर्टिफिकेट वाला पूरा फ्लेवर है इसका। अभी ये पूरा एक पैकेट के अंदर आपको 4 लीटर मिल्क डालना है, इसलिए हमें भी पैकेट आधा बनाएंगे, इसमें 2-2 लीटर मिल्क डाला है, इसलिए भी हम इसको आधा बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको ML के हिसाब से इसको नाप करके इसके अंदर डालेंगे, आधा पैकेट लगाएंगे इसमें। ये मैंगो का फ्लेवर से इसका आपने 600 ml समथिंग पाउडर मिल्क डाला है इसके अंदर, 600 ml समथिंग, इसलिए समथिंग अप्रोक्सीमेटली 500 ग्राम जितना हुआ है मटेरियल है, इसके अंदर अपने डालेंगे इसके अंदर मटेरियल का। मैंगो का डाल दिया। अभी दूसरा है स्ट्रॉबेरी का, है स्ट्रॉबेरी पाउडर है, वही कंपनी का, सेम कंपनी का पाउडर है। इसको भी उतना ही अपने रिफिल कर दिया है। अभी दूसरा है 2 लीटर मिल्क है, इसके अंदर भी अपने ये पाउडर डालेंगे इसमें। अभी हम टेस्टिंग है इसलिए इसको आधा बना रहे हैं। आपको जब आप बनाते हैं तब एक किलो का पूरा पैकेट ही बनाना है आपको, 4 लीटर मिल्क डाल के 1 किलो का पूरा पैकेट बनाना है। अभी अपने ये मशीन है फ्लेवर मिक्सचर मशीन, इसके से अपने इसको मिक्स करेंगे। अभी पानी भरी ले दो, पानी भरी के पूरा में अभी इसका फ्लेवर दोनों हमने मिक्स कर दिया। इससे ये फ्लेवर मिक्सचर मशीन है, उसके हमने दोनों मिक्स कर दिया। और हम ये जो फ्लेवर मिक्सचर मशीन है, ये भी हम मशीन के साथ में देते हैं कस्टमर को, जिससे अच्छी क्वालिटी का इसमें मिक्सिंग हो जाता है। इसके अंदर परफेक्टली जिसको ऐसे मिल्क को मिक्स करना है, जैसे फुल फ्लेट क्रीमी वाला है, जैसे आप देख सकते हो पूरा है, ये मटेरियल देख सकते हो पूरा, जिस टाइप से इसको मिक्सिंग किया है, तो इस टाइप का जो फ्लेवर मिक्सिंग रहता है उससे इतना फेट बनता है इसके अंदर। अभी हम दोनों ये जो दोनों मशीन है इसको हम ऑपरेट करेंगे, इसके अंदर ये मिल्क लगा के दोनों मशीन का टेस्टिंग लेंगे कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। अभी इसमें मैंगो का हमने फ्लेवर दोनों में यहाँ पर फिल कर दिया है, अभी ये स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर हम फिल करेंगे दोनों में।
एक एक लीटर शुद्धि के दोनों में फिल कर देंगे एक एक लीटर। एक लीटर है दूसरे मशीन में भी फिल कर देंगे अपने उसको। जो थोड़ा बचा हुआ है इसके अंदर लगा देते हैं। दोनों के जो बाउल देते हैं अपने इसको ढक देते हैं दोनों बाउल इसके। बीच का अपने क्रीम का बटन लगा के इसको भी पूरा चंदन में ले लेते हैं। जो उसका राउंड चंदन लेते हैं उसको लाइन तक अपने उसका मटेरियल ले लेते हैं क्रीम का बटन दबा के। लाइन में आ चुका है इसका। आपने क्रीम का बटन बंद करके इसको अभी कूलिंग में रख देते हैं। इसको आइसक्रीम बनने के लिए रख देते हैं। इसका दोनों कंप्रेसर है कूलिंग प्लांट है दोनों को स्टार्ट कर देंगे। इसका एयरपंप सिस्टम है उसको भी स्टार्ट कर देंगे अपने। ये कूल का बटन यहाँ पे दिया गया है। ये कूल का बटन दबाने से इसका कूलिंग प्लांट स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा छोटा कंप्रेसर है जो मटेरियल अपने लगाते हैं उसको जो चीट करता है ठंडा करता है दूसरा कंप्रेसर उसको भी अपने स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से दोनों कंप्रेसर बना दिया और तीसरा एयर पंप पे जो पंप सिस्टम रहता है जो आइसक्रीम के अंदर एयर फिल करता है उसको भी हमने स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल तीनों चीजें भी स्टार्ट हो गया है। अभी 10 से 12 मिनट के अंदर पूरा आइसक्रीम बन के रेडी हो जाएगा कम्प्लीटली। और अभी इसका अपने हार्डनेस जो रहता है यहाँ पे हार्डनेस रखने का रहता है। इसको अपने हार्डनेस को सेट करके 5 के ऊपर रख देंगे 5 के ऊपर। जैसे यहाँ पे सेट का बटन दबा के इसको प्लस करना है आपको। 5 पे सेट हो गया इसका हाथ में। जैसे 5 पे हाथ में इसके आ जाएगा अपना आइसक्रीम रेडी हो जाएगा मटेरियल अपने। इसको भी इसी तरह इसको भी अपने सेट कर देते हैं। क्लीन का बटन है स्टॉप कर देंगे। बाद में इसका कूल का जो कंप्रेसर है बड़ा कंप्रेसर उसको स्टार्ट करेंगे अपने। ये दूसरा छोटा कंप्रेसर है कूल का उसको स्टार्ट कर देंगे। और इसका जो एयर पंप सिस्टम है उसको स्टार्ट कर देंगे। और एक फंक्शन जैसे स्टार्ट होता है इसका डिस्प्ले में दिखाई देगा कि भाई आपने कूल का ठंडा बड़ा कंप्रेसर स्टार्ट किया है तो वो दिखाएगा। छोटा कंप्रेसर किया है वो दिखाएगा यहाँ पे ऑप्शन कि छोटा कंप्रेसर भी स्टार्ट है। एयर पंप है तो वो भी पंप का भी दिखाएगा कि इसके अंदर एयर फिल हो रहा है इसका। और ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपको भी अगर खुद को अपनी मशीन इंस्टॉल करनी है तो आप ये मशीन के ये वीडियो देख के पूरी मशीन अपने हाथ से 15 से 20 मिनट के अंदर पूरी मशीन को इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसलिए हमने वीडियो इजीली बनाई है कस्टमर खुद के हाथ से इंस्टॉल करे ऑपरेट करे उसको वॉश करे कैसे करना है। तो जिसके लिए आपको ये वीडियो बहुत जरूरी है इसके अंदर। अभी इसको हमने कूलिंग पे रख दिया। आपको बताया कि अभी 10 से 15 मिनट के अंदर आइसक्रीम रेडी हो जाएंगे। इसको कूल पे रख दिया है। उतनी देर में आपको हमारी 16 मशीन के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। ये हमारा डॉल्फिन ब्रांड का 2019 मॉडल है। डिजिटल फंक्शन वाली 16 मशीन है डिजिटल फंक्शन वाली जिसके अंदर डिजिटल काउंटिंग सिस्टम लगाया है टेम्परेचर कंट्रोल लगाया है और लाइटिंग वाला लोगो लगाया हुआ है। और पूरी मशीन स्टील की बनी हुई है जो डबल वाटर टैंक रहता है इसके अंदर। हमारी मशीन में खूबी है कि इसके अंदर डबल वाटर टैंक मिलेगा आपको। डबल वाटर टैंक प्लस इसके अंदर ऑनलाइन चिल्लर रहता है।
जो मार्केट में दूसरी कंपनियां मशीन देती है जिसमें मशीन के अंदर कूलिंग पाइप फिक्स कर दिया है, फिट कर दिया है और एक ही कंप्रेसर ठंडा करता है, जिसमें क्या होता है कि जब गर्मियों का टाइम हो, गर्मियों का मौसम रहता है तो कंटिन्यू बिजनेस निकालेंगे तो उसके अंदर से गर्म सोडा निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके हिसाब से हमारे दो वाटर टैंक है और प्लस ऑनलाइन चिल्लर है। ऑनलाइन चिल्लर मतलब गर्म पानी को अंदर ठंडा करके चिल्ल करके सोडा और डायरेक्टली निकालेगा। तो हम आपको इसको ऑपरेट करके बता दें, इसको ये भी हम टेस्टिंग में ले रहे हैं मशीन, इसको भी हम आपको टेस्टिंग बताएंगे। यहाँ पे हमने इसको ऑपरेट करके दिया है, हम आपको काउंटिंग फंक्शन बताएंगे कैसा इसका काउंटिंग फंक्शन है। अभी हमने इसको 300 ml पे सेट किया, यहाँ पे 300 ml है, 250 ml है और 200 ml है, जिसका हमने ब्लैक कलर का मार्किंग किया हुआ है, ठीक है। अभी हम इसको ऑपरेट करेंगे, ये भी 250 ml का रुक गया है, 250 ml पे इसको सेट किया गया है, 250 ml पे भी ये रुक गया है। अभी आप देख सकते हो उसको, ये 250 ml पे आ गया है। अभी हम इसको 250 ml की जगह इसको 200 ml पे सेट करेंगे, हमने 200 ml पे सेट करेंगे। ये देखिए 200 ml का जो बटन है, ब्लैक बटन, यहाँ पे रुक गया है। खाली बटन सेट करना है, ऑटोमेटिकली काउंट यहाँ से हो जाएगा, आपको कम निकलना है, ज्यादा निकलना है, यहाँ से सेट मारेंगे। अभी हम इसको 300 ml पे सेट करेंगे, देखिए 300 ml का बटन है, वहां तक ही फील मारेगा। और 200 ml, 250 ml, 300 ml यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको बताएगा कि ऑरेंज का आपने जैसे फ्लेवर है, जैसे दाढ़ का फ्लेवर है, तो दाढ़ का फ्लेवर आपने 200 ml का कितना निकाला, 250 का कितना निकाला और 300 का कितना निकाला, ये यहाँ पे आपको शो करेगा कि कौन सा फ्लेवर कितना आपने निकाला हुआ है। यहाँ पे पूरा डिस्प्ले दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच के फंक्शन पे डाला हुआ है। और यहाँ से आप उसको लेवल भी सेट कर सकते हो, अप डाउन लेवल करना है तो भी आप सेट कर सकते हो। और इसमें मेन चीज क्या रहता है, अपने जैसे कि जीरा मसाला का फ्लेवर है, तो जीरा मसाला का फ्लेवर होता है उसमें बबल्स रहते जा रहे थे, तो जिसकी वजह से क्या रहता है, सोडा दो तीन शॉट में एक बार फील होता है। यहाँ तक अगर सोडा भरना है तो पहले आपने इतना भरा, फिर इसको यहाँ तक भर के अगर फील कम हो जाएगा, फिर वापस दूसरा शॉट किया, वापस भरा, वापस फील हो गया। तो ये जब तक आप पूरा निकालेंगे 300 ml जब तक नहीं निकालेंगे तब तक ये काउंट नहीं मारेगा। इसका आपको कोई टेंशन लेना नहीं कि हमने एक बार पुश कर दिया, आपने मशीन में काउंट मार दिया, वैसा नहीं है। आप जितनी भी शॉट में सोडा निकालो, काउंट उसका परफेक्टली 300 ml चेक किया तो 300 ml, 200 ml चेक किया तो 200 ml, 250 ml चेक किया तो 250 ml, जो भी हिसाब से निकल रहे तो इसमें निकल सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, आज की तारीख में बहुत ही अच्छी हमारी मशीन चल रही है काउंटिंग वाली, क्योंकि जो लोग खुद अपने शॉप पे बैठ नहीं सकते हो, किसी लड़के को 200-300 रुपए पगार देके या उसको बिठा सकते हैं और रोज शाम को आप काउंट हिसाब ले सकते हैं, कलेक्शन के कितना बिजनेस हुआ आपका, 500 ग्लास हुआ, 700 ग्लास हुआ, 1000 ग्लास हुआ, जितना 5000, 6000, 10000 का कलेक्शन लेके चल जाते हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया बिजनेस है। और पूरी मशीन स्टेनलेस स्टील में बनाई है, 304 फूड ग्रेड मटेरियल में। और यहाँ पे हमने इसके ड्रॉवर भी दिए गए, एक ड्रॉवर है इसके, जिसके अंदर आप पैसे रख सकते हो, नींबू रख सकते हो, केची रख सकते हो, कोई भी चीज इसके अंदर रख सकते हो, पार्सल का पाउच रख सकते हो, ग्लास रख सकते हो, यदि आपको जो भी बेटर लगता है आप उसके अंदर रख सकते हो। और पूरी मशीन स्टेनलेस स्टील में बनाई है, 300,000 फुट ग्रेड के अंदर। और हम आपको ये मशीन दिखा रहे हैं बाहर निकाल के, थोड़ी किस टाइप का हम क्वालिटी बनाते हैं। इसका जो स्टेनलेस स्टील रहता है, जहाँ पे स्टेनलेस स्टील है, ये भी पूरा यहाँ पे हमने डोर के हैंडल दिए हुए इसको आपको खोलने बंद करने के लिए। और पूरी ये स्टेन पाइपिंग के ऊपर बनाई गई है, आप देख सकते हो पूरा पाइप है, कोई स्टील का पतरा है ऐसा कुछ नहीं है, पूरे पाइप के ऊपर हमने बनाया है पूरा इसको। ये डोर आप देख सकते हो पूरा इसका बंद है, इसको बंद करके यहाँ पे स्टॉपर दिया गया है, इसको स्टॉपर पे यहाँ पे खोल दिया, लॉक हो जाएगा। नीचे यहाँ पे वाटर टैंक है, इनबिल्ट वाटर टैंक, 50 से 60 लीटर का इनबिल्ट वाटर टैंक प्लस 20 लीटर का आरओ का बाउल उसके ऊपर आप लगा सकते हो, इसलिए मैक्सिमम 80 से 90 लीटर का काउंट ले सकते हैं इसके अंदर। और पूरा ये टैंक भी पूरा केमिकल फील रहता है इसका, केमिकल भरा हुआ रहता है इसके अंदर पूरा, आप देख सकते हो पूरा मशीन यहाँ पे। यहाँ पे कंप्रेसर सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम लगाया हुआ है पूरा सिस्टम इसके अंदर। और ये भी नीचे व्हील दिया गया है, हेवी ड्यूटी पूरा व्हील दिया गया, पूरा मूवमेंट वाली मशीन है, कहीं पर भी आप ले जाके घुमा सकते हो उसको, कहीं भी ले जा सकते हो उसको। अभी हमारी ये मशीन स्टार्ट हो गई है, रेडी हो गई है, स्पिन करते इसके अंदर रेडी हो गया है। लेवल के हिसाब से टेम्परेचर आ गया है, 3.8-3.9 आएगा, इसलिए आपका स्पिन मटेरियल रेडी हो जाएगा इसके अंदर। अभी हम इसमें से स्पिन निकालेंगे अंदर से,
मैंगो का फ्लेवर निकालेंगे इसमें से। ये देख सकते हो पूरा मैंगो का फ्लेवर, एकदम लो वेट आइसक्रीम है, पूरा एयर फिल किया हुआ आइसक्रीम है इसके अंदर और पूरा स्मूथ क्वालिटी का आइसक्रीम है इसका। अभी इसमें से स्ट्रॉबेरी निकालेंगे भी। स्ट्रॉबेरी देख दिया एकदम स्ट्रेट ओके लेवल से कूलिंग आ गई है इसके अंदर, आप क्वालिटी भी देख सकते हो पूरा आइसक्रीम का। अभी मिक्स में निकालेंगे अपने आइसक्रीम। देखिए मैंगो और स्ट्रॉबेरी दोनों मिक्स है इसका। अभी ये मशीन टेस्टिंग होगा, परफेक्ट हो चुका है, कंप्लीटली टेस्ट कर लिया हमने। आपने देखा आपके सामने हमने पूरी मशीन इंस्टॉल की है, किस तरह से हमने इसको इंस्टॉल की है आप देख सकते हो। पूरा है यहाँ पे टेम्परेचर भी आ चुका है इसका, 90 टेम्परेचर, 10 का सेल्सियस है अंदर का टेम्परेचर, इतना है आइसक्रीम का टेम्परेचर है। दोनों मशीन अभी ऑपरेट सिस्टम में है। अभी ये दूसरा मशीन भी इसका भी कूलिंग टेम्परेचर आ चुका है, अभी हम इसको आपको ये मशीन का भी ऑपरेट करके बताएंगे। इसमें से स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है, देख सकते हैं पूरा नींबू का फ्लेवर से। ये देख सकते हो पूरा नींबू का फ्लेवर। ये मिक्स फ्लेवर है, इसको भी बताएंगे आपको। देखिए पूरा इस टाइम मैंगो है, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी है, और ये सब हमने आपको डिटेल बता दिया इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं, कैसे इसका मटेरियल बनाते हैं। और मशीन के साथ हमने इसका स्टेबिलाइजर है, ये मशीन के साथ हम फ्री में देते हैं सॉफ्टी आइसक्रीम, मशीन के साथ स्टेबिलाइजर फ्री में देते हैं। फ्लेवर्स के 10 पैकेट, 1 किलो का 1 पैकेट है, 10 किलो मटेरियल देते हैं। आप जो जो मटेरियल मांगेंगे वो मटेरियल हम आपको फ्री में देंगे इसमें। और इसका जो ये फ्लेवर मिक्सचर मशीन है, जो हमने फ्लेवर मिक्स करके दिया था आपको अभी फिलहाल, ये फ्लेवर मिक्सचर मशीन है, इसका भी बॉक्स है, वो भी हम आपको फ्री में देते हैं साथ में। और वुडन बॉक्स पे की डॉट डिलीवरी, वो सब चीज हम आपको फ्री में दे रहे हैं मशीन के साथ में। और ये अभी हमारी जूसर मशीन है, जिसके बारे में हमने आपको बताया था, दो फ्लेवर की और 3 फ्लेवर की जूसर मशीन है, जिसके अंदर आप नेचुरल जूस है, नेचुरल फ्रूट का जूस है, कोई फ्लेवर जूस है जैसे मैंगो है, पाइनएप्पल है, फ्रूटी है, माजा है, ऐसा इसके अंदर आप लगा सकते हो। और पूरा चिल एकदम ठंडा इसके अंदर से मटेरियल निकलेगा इसके अंदर से, और ये भी आज की तारीख में प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और इसका हम आपको प्राइस यहाँ पे वीडियो में बता देते हैं। ये 2 फ्लेवर का जो मशीन है इसका आपको 30,000 रुपये 30,000, और 3 फ्लेवर का मशीन है इसका कीमत है 40,000 रुपये कीमत है दोनों मशीन का। आपको जो भी मशीन देना है डायरेक्ट कंपनी के नंबर पे फोन करके ऑर्डर दे सकते हैं। ये दोनों मशीन अभी इसके अंदर हमने स्ट्रेटनिंग के लिए इसके अंदर फ्लेवर डाला हुआ है, जिसके अंदर गुलाब से पाइनएप्पल्स के फ्लेवर से सब ऐड करके इसको वर्कआउट कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं पूरी मशीन को। और ये हमारी मशीन जो जा रही है सॉफ्टी की है, दादा सोडा शुगर आइसक्रीम करके जो सतारा करके सिटी है, जहाँ पे देवी चौक करके सतारा में देवी चौक में बहुत ही फेवरेट सोडा मशीन की दुकान है, सोडा मशीन शॉप है, जो हमारा 3 साल पहले हमने ये सोडा शॉप सोडा मशीन दिया हुआ है वो कस्टमर को, तो
तो उन्होंने हमको दूसरी मशीन ऑर्डर की है सुधाधर सोडा सूत्र करके। आप अगर सतारा से सतारा के कस्टमर है तो आप देवी चौक में जाके ये मशीन और हमारी सोडे की मशीन दोनों वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। और ये मशीन हमारी दोनों है, ये पूना जा रही है, जिसका कस्टमर ने नाम बोला है श्री सोडा एंड आइसक्रीम पार्लर, दोनों मशीन में एक ही नाम लिखा हुआ है श्री सोडा एंड आइसक्रीम पार्लर। तो ये हमारी मशीन पूना में जा रही है, बाद में हम ये मशीन की इंस्टॉलेशन करके कस्टमर का रिव्यू देके हम आपको नई वीडियो इसकी अपलोड करेंगे। और हमारी रोज नई नई प्रोडक्ट इसके लिए अपलोड होती है, जैसे शुगर केन मशीन है, तवा आइसक्रीम मशीन है, सरसकस मशीन है, बहुत सारी नई नई प्रोडक्ट एड होती है, जिसके हिसाब से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी रोज नई नई वीडियो अपडेट मिलेंगी इसके अंदर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।